नमस्कार, मैं हूं संदीप पुंडीर और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। खबरों के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने हूं। हाथरस में जिले के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र चौधरी, राज्य मंत्री पंचायती राज विभाग ने बेसिक शिक्षा के नवनियुक्त सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटने के कार्यक्रम में उपस्थित हो 367 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया। प्रशासन ने शहर के बांग्ला इंटर कॉलेज में इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। कार्यक्रम में सदर विधायक हरिशंकर माहौर, सिकंदरा राव विधायक वीरेंद्र सिंह राणा, जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा, जिला पंचायत अध्यक्ष विनोद उपाध्याय और नगर पालिका अध्यक्ष पंडित आशीष शर्मा के साथ ही बेसिक शिक्षा के सभी अधिकारी मौजूद रहे। हमारे समाज को दिशा दशा देने का मिला है। मेरे शिक्षक भाइयों बहनों, सभी पत्रकार बंधु, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती का क्रम प्रारंभ किया गया था, उसका आज ये दूसरा और अंतिम चरण है। सभी शिक्षक भाइयों बहनों को नियुक्ति पत्र मिला है और जो भी चयनित होने वाले शिक्षक भाइयों बहनों, मैं सबको बधाई देता हूं, उनका अभिवादन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। तो प्राइमरी शिक्षकों का दायित्व हमारे पारिवारिक व्यवस्था में माँ बाप के बाद, माँ बाप उनको जन्म के साथ उनका लालन पालन करते हैं और सबसे पहली शिक्षा की पाठशाला हमारे प्राइमरी के अध्यापकों के द्वारा प्रारंभ की जाती है। आप लोगों के ऊपर समाज को शिक्षित करने के साथ साथ आने वाली जो पीढ़ी है, हमारी जो जनरेशन है, उसकी नींव को मजबूत करने का काम आप लोग करना। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा 69,000 शिक्षकों की भर्ती का जो प्रशिक्षण था, उसमें आज पूरे प्रदेश में लगभग 36,500 और हाथरस जनपद में जो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश सूची जारी हुई थी, उसमें 491 के सापेक्ष में 367 लोग आज नियुक्ति पत्र दिए गए। तो मित्रों, अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के साथ साथ अपने आसपास की खबरों के लिए आप जुड़े रहें समाचार एक्सप्रेस के साथ। जय हिंद।